संगरूर दी इनकलाबी धरती संगरूर दी गुरुआ पीरां शहीदां दी चरण छो प्राप्त धरती अज एक नवेकले प्रोग्राम लई सूरज चढ़न तो पहला निकले छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग भैणा जिन्ने भी तुसी इत्थे पहुंचे हो सब तो पहला मेरे वल्लों तुहाडा चलिया होया एक एक कदम ते तुहाडा मारिया होया एक एक पैडल मेरे सिर मत्थे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी संगरूर तो MLA भैन नरेंद्र कौर प्राज जी IG पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह छीना जी डिप्टी कमिश्नर संगरूर जोरवाल जी इस रैली नू इत्थे तक लैके आने वाले SSP मनदीप सिंह सिद्धू साहब और संगरूर प्रशासन दे अधिकारी जिन्होंने पर्दे दे पिछे रह के इनू कामयाब करन वास्ते दिन रात एक कीता। अज आपां मैसेज दे रहे हैं संगरूर तो देखो संगरूर तो पहला जिन्ने भी सुनेहे दिते गए वह पूरी दुनिया च पहुंचे भावें 2014 वाला सुनेहा भावें 2019 वाला ते भावें हुण 2022 वाला संगरूर दा सुनेहा जिहड़ा है वह पूरी दुनिया च जांदा है। मैं तुहानू बधाई देनी चाहुंदा ते हुण इह नारा बदल गया पहला सी साडा की कसूर साडा जिला संगरूर हुण हैगा सानू बड़ा सरूर कि साडा जिला संगरूर। सो मेरे छोटे वीर हरजीत हरमन होरी जिहड़े मेरे ख्याल च मैं हरमन नाल कल गल करदा सी कि पंजाब दे कलाकारां चों पहला कलाकार है जिहड़ा 6 बजे खाड़ा ला गया सवेरे क्योंकि आम तौर ते व्याहां दे प्रोग्राम 2 बजे तो बाद हुंदे है जां रात नूं रिसेप्शन दे प्रोग्राम हुंदे ने। सो हरजीत भाई अपनी टीम समेत तुसीं पहुंचे हो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडे गीत जिहड़े ने ओह फुलकारियां दीआं गल्लां करदे ने तुहाडे गीत फुल्लां दीआं गल्लां करदे ने तुहाडे गीत पंजाब नूं बसण दीआं गल्लां करदे ने ते इस करके हरजीत होरां दी जदों भी ड्यूटी लगदी आ तां ओह टाइम नहीं देखदे सिर्फ इह कहिंदे ने दसो कित्थे पहुंचणा। एक बारी जोरदार ताड़ियां हरजीत हरमन एंड ओहदे ग्रुप लई। बाकी ये जिहड़ी रैली इहदा मकसद है कि आपां जिहड़ा ड्रग दे विच दल दल च फस गए मैं कसूर नहीं मनदा नौजवानां दा इहदे च मैं कहना कि माहौल इदां दा मिल गया उहनां नूं बेरोजगारी डिग्रियां लै के घरें मुड़े आए बेरोजगारी फिर जां तां फ्रस्ट्रेशन च जा के नशे करन लग जांदे आ जां बाहरले मुल्कां नूं उडारी मारदे आ। कहिंदे आ कि वेला मन शैतानी दा घर जे किते कम ला दिए जे किते रोजी रोटी ते लग जाण डिग्री मुताबक अफसर बन जाण तां इत्थे नशे लई ड्रग लई कोई थां नहीं हैगी। मैं अक्सर कहना हुंना कि पंजाब दी धरती इन्नी उपजाऊ है जिहड़ा मर्जी बीज बीज दो उग पूगा पर नफरत दा बीज इस धरती ते उग नहीं सकदा। असी सारे कट्ठे साडी सोशल बॉन्डिंग भाईचारक सांझ साडी जिहड़ी है वह बहुत तकड़ी है। सो इन्नी भारी गिणती च तुहानू देख के मैनू बहुत खुशी हो रही है और आम तौर पर साइकल रैली हुंदी है एक फॉर्मैलिटी बन जाती है पर अज तुहाडा जिहड़ा जोश है वह ये दस रहा है कि फॉर्मैलिटी नहीं तुसीं सच्ची मुची पंजाब दे हक च आए हो तुसीं सच्ची मुची एक तंदुरुस्त पंजाब एक पढ़दा पंजाब उहदा सुपना पूरा करन लई इत्थे आए हो
क्योंकि टी शर्टा एक जिया ने बहुत सारे तो मैं जानता पर पछाने नहीं जा रहे। हाँ जी, साड़ी धूरी वाली टीम खड़ी है, लहरे वाली टीम खड़ी है, दिड़बे वाली टीम खड़ी है, भवानीगढ़ वाले खड़े ने। सो जिन्हें भी तुम पहुंचे हो, जिस तरह एस एस पी साहब ने कह रेस नहीं हैगी, एक कट्ठिया की एक रैली है, एक दूजे तो अगे लंघने की कोशिश नहीं करनी, कट्ठिया ने जाना है। यही यदा मैसेज है कि अपना अपनी लकीर वड्डी करनी है, दूजे की लकीर छोटी नहीं करनी। सो इस करके मैनू जो मौका मिलया इतने आने का, मैं क्या मैं जरूर आऊँगा, मैं भी सैकल चलाऊँगा, वॉलीबॉल का मैं हूँ भी खेड दिया वॉलीबॉल। सो फिटनेस बहुत जरूरी है, सो बाकी दे काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो जो सेहत तंदुरुस्त होगी, दिमाग तंदुरुस्त होगा, तो तुसी पंजाब लई बहुत सारे नवे आइडिए, पंजाब लई बहुत कुछ तुसी तुहाडे दिमाग दे विच चलूगा कि पंजाब नू मिल के, ये कल्ला मुख्यमंत्री का काम नहीं, इस मिल के सारे नू आपां नू काम करना पऊगा। जिन्हें भी पत्रकार साहबान मेरे मित्र इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दा भी सारे दा धन्नवाद के उन्होंने पूरी दुनिया के इस जी साइकल रैली है उन्होंने पहुँचाना है अपने अपने मंचों तो, भावें वह सोशल मीडिया, भावें वह मेन स्ट्रीम मीडिया इलैक्ट्रॉनिक, भावें प्रिंट मीडिया। सो मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा, तो उन्होंने भी कहना कि एक अद्धा साइकिल तुम भी, बहुत सारे माइक तो कैमरे लेके तो बहुत हर रोज़ जाने, एक अद्धा साइकिल लेके तुम भी एक मैसेज दौ कि तुम भी पंजाब का हिस्सा हो, तुसीं भी उन्हां पौने 3 करोड़ पंजाबियों चों जिहड़े पंजाब नूं तंदुरुस्त पढ़दा ते स्पोर्ट्स वल जांदा देखना चाहुंदे ने। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। एक बारी दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब, थोड़ा जिहा होर इनकलाब, इनकलाब।